मॉर्निंग और आज के डिवोशन के लिए भजन संहिता 23 और वर्स नंबर 1 और 4 इन दो को हम टच करेंगे और इसके बारे में हम सोच रहे थे। वर्स में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, इस वचन को हम कई बार पढ़ते हैं और हम जानते हैं परमेश्वर हमारा चरवाहा है, लेकिन क्या हम इस पर विश्वास करते हैं? क्वेश्चन ये निकल जाता है कि जब ये भजन को लिखा गया था तो इसमें दर्शाया गया है कि जो भेड़ है वो हम हैं और जो चरवाहा है वो यीशु मसीह है। और भेड़ जब सुबह उठती है तो उनको अपने चरवाहे की आवाज़ सुनने की आदत होती है, उनको ये कहना होता है, देखना होता है कि उनका चरवाहा कहाँ है। और जब वो अपने चरवाहे को देखते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, तो सुरक्षित महसूस करते हैं और इसीलिए उन्हें कुछ घटी ना होती है। ये एक विश्वासी के जीवन का चित्र है और उसी तरह से हम हैं। जब हम उस सुबह उठें, सबसे पहली चीज़ हमारे मन में ये आनी चाहिए कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, ये अच्छा है। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे याद रखनी चाहिए कि मैं वो भेड़ हूँ, क्योंकि ये हमें नम्र रखेगा। कई बार अपने जीवन में हम सोचते कि हम चरवाहे हैं, नहीं, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ हैं। ये हमें नम्र रखेगा। और जब मुझे जीवन में कोई भी परिस्थिति में कुछ चीज़ की ज़रूरत भी पड़े तो मुझे याद रखूँगा कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है और मैं भेड़ हूँ, इसीलिए मुझे कोई चीज़ की घटी ना होगी। घटी तब महसूस होती जब हम रोल बदल देते हैं। हम सोचते हैं हम चरवाहे, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चरवाहे जो कि जो भेड़ है, जो भेड़ जो बुढ़ती है, उसके सबसे पहला उसको दो चीज़ करना अच्छा लगता है, पहले चरवाहे की आवाज़ को सुनना और दूसरा उसे देखना। और दोनों ही चीज़ विश्वासी के जीवन में हम एहसास भी कर सकते हैं और इसको हम अनुभव भी कर सकते हैं, उसके वचनों के द्वारा उसको देखना और उसके वचनों के द्वारा उसकी आवाज़ को सुनना, जिससे हमारा विश्वास बढ़ेगा और हमें कोई भी चीज़ की घटी ना होगी। लेकिन वर्ष नंबर 4 में इस प्रकार से लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये सोटे और लाठी से शांति कैसे मिलती है? जब वर्ष नंबर 4 में देखते तो घोर अंधकार से भरी हुई तराई, इंग्लिश में लिखा है तो द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, यानी मृत्यु नहीं लेकिन मृत्यु की परछाई। और ये ज़रूरी था बिकॉज यहूदियों को, उनके लिए मृत्यु की परछाई से कहने का मकसद ये था कि कोई बड़ा खतरा, डेंजर है कोई। और इस जब भजन को पढ़ते हैं ध्यान से तो पता चलता है कि ये चरवाहे की आदत है, वो जानबूझकर भेड़ को खतरे भरे रास्तों से ले जाता है। दो कारण के लिए, फर्स्ट कि भेड़ अपने आप पर भरोसा ना रखे और दूसरा अपने चरवाहे पे भरोसा रखे। तो ये कोई गलती नहीं है कि कठिनाइयों से हम निकल जाते हैं, परमेश्वर हमें वहां से ले चलता है, इसलिए नहीं कि वो हमारा वध कर सके। आप देखोगे कि भेड़ों को, शीप को मारा नहीं जाता था बाइबल में। इन द सेंस परमेश्वर जब उन कठिन रस्तों से हमें निकाल ले जाता है, वो हमें ले जाता है ताकि हम अपने आप पर भरोसा ना रखें और अपने चरवाहे पे भरोसा रखें। जब इन रस्तों से जाते थे तो भेड़ जो है वो परछाई से भी डर जाती है, तो कहने का मकसद ये था कि अपने चरवाहे के नज़दीक आ जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा दृश्य है परमेश्वर का इस बाइबल में, इस भजन में जो उसने हमें दिया है, कि जब वो जीवन हमारा उतार चढ़ाव और ऐसा लगता है कि कोई ख़ास खतरा है, कुछ है, परमेश्वर हमें दिखाना चाह रहा है कि मेरे नज़दीक रहो, ये जो चीज़ तुम जो तुम्हारे जीवन में तुम जिससे बीत रहे हो, ये तुम्हारे हराने के लिए, तुम्हें ख़त्म करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें चरवाहे के नज़दीक लाने के लिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और ये दो चीज़ें हैं, यू नो, सोटे और लाठी। जब भी हम सोट और लाठी के बारे में सोचते हैं, सोटे और लाठी के बारे में सोचते हैं, हम कभी ये नहीं सोच सकते
उससे हमें शांति मिलेगी बट मिलती है। पैलेस्टाइन में जब वो लोग लेके चलते थे सोटे और लाठी को, दो चीज़, ये 4 फुट लंबा होता था सोटा, और अगर एक तरफ में मोटा होता था दूसरी तरफ में नोकीला होता था, तो अगर कोई जैसे जानवर आ जाए, भालू या शेर आ जाए, तो चरवाहा उसे लेकर मोटे हिस्से से मारता था, और दूसरा हिस्सा जो था वो नोकीला था, तो उससे जो पेड़ पौधे जिसमें जहर हो उसको निकालना, या सांप आए तो सांप को मार देना, उन दोनों चीज़ों के लिए सोटे का इस्तेमाल किया जाता था। ये सोटा हमारी सुरक्षा के लिए, परमेश्वर शैतान को, संसार को, पापी स्वभाव को, हमारा चरवाहा हमें उसे बचाए रख सकता है, लेकिन करना क्या है, हमें उसे करीब रहना है। और जब भेड़ चरवाहे के करीब रहेगी तब भेड़ सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अपने चरवाहे के नज़दीक रहो, यीशु मसीह के नज़दीक रहो, वो तुम्हारी सुरक्षा करेगा। शैतान, बुरे लोग, बुरी संगति, ये सब नज़दीक आ सकते हैं, हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन हम जब उसके नज़दीक हैं तो हम भयभीत ना होंगे। और दूसरी चीज़ वो कहता है कि जो यहाँ पे उसकी लाठी है, लाठी है, ये लाठी जो भी दुश्मन आए उसको भगाने के लिए काम में आती थी। हम भी बहुत जल्दी डर जाते हैं, कभी हम कोई चीज़ों की परछाइयों के से हमें भी डर लगता है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे खतरा है, बट एक्चुअली होता नहीं, और उस समय में हमारा चरवाहा हमारे संग रहता है, उसको उस समय में हमारा चरवाहा हमारे सुरक्षा कर रहा है। जब भेड़ भागकर अपने चरवाहे के पास जाती है तो परमेश्वर तो उनका चरवाहा जो उन्हें रोक लेता है, अपने नज़दीक रखता है और उन्हें संभालता है, लेकिन उसकी नज़र दुश्मन पे लगी रहती है। उसी तरीके से परमेश्वर भी हमारे संग करता है, लेकिन उसकी नज़र दुश्मन पे नहीं, उसने दुश्मन को हरा दिया है। और ये एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर की नज़र हम पर बनी हुई है, हमारे चरवाहे की नज़र हम पर बनी हुई है, और वो हमें निरंतर देखता रहता है। इसलिए अपने आप को प्रोत्साहित करो, पहला, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें कोई घटी नहीं होगी। दूसरा, मौत की खाई, इन अ सेंस शैडो ऑफ द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, उस खाई से लेके भी गुजरता है तो वो हमें कारण के लिए ले जा रहा है ताकि हम उसके और करीब आ सकें, और वो हमारे, हमें एहसास हो कि वो हमारे कितना करीब है। और उसकी लाठी और उसके सोटे, वो मेरी, यहाँ पे लिखा है, हमें उससे हमें शांति मिलती है। दुश्मन को संभालना, दुश्मन को हरा दिया है उसने, और हम, उसकी नज़र हम पर बनी हुई है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी, वो मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूँ। अपने आप को प्रोत्साहित रखिए, कलीसिया खुल गए हैं, आइए संगति कीजिए, स्तुति आराधना करेंगे, वचन से सीखेंगे, रैप सेशंस होते हैं, अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, बढ़िए, जानिए कि आपका चरवाहा आपके साथ है। आमेन।